महंगी दवाइयों के अभाव में बहुत से ऐसे गरीब मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। केंद्र सरकार ने गरीब और मजबूर सहित सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से महंगी दवाओं को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। महानगर के जिला महिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कुछ ही दिनों में होने वाला है, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को ब्रांडेड दवाएं सस्ते दर पर उपलब्ध होंगी। बहुत जल्द ये सुविधाएं जिला महिला चिकित्सालय, जिला पुरुष चिकित्सालय के ओपीडी में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन 3 CHC केंद्रों पर उपलब्ध होने जा रही है, जहां पर सरकारी और गैर सरकारी सहित सभी स्टैंडर्ड कंपनी के जेनेरिक दवाएं 8 से 10 गुना कम दामों पर उपलब्ध होंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर ने कहा, जन औषधि केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जानकारी के अनुसार ये पूरे भारतवर्ष में खोले जाने हैं और जिसमें 100 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन इसी सप्ताह किया जाना है, जिसमें से कि प्रत्येक ज़िले में 5 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, उसमें से एक जिला महिला चिकित्सालय में भी जगह आवंटित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे जो कि ओपीडी के सामने हो। तो उस क्रम में हमने ओपीडी के सामने एक जन औषधि केंद्र के लिए एक स्थान चिन्हित कर दिया है और उसमें रेनोवेशन का कार्य कराया जा रहा है और कार्य लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताते चलूं कि जेनेरिक दवाएं अच्छी कंपनियों की रखी जाएंगी, जिनकी कीमत 8 से 10 गुना ब्रांडेड दवाओं से कम होगी। जो दवाएं प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा या उनके क्लिनिशियन द्वारा लिखा जाता है, जो महीने भर की दवाएं 3,000 के लिए आती हैं, तो इसमें 500 के आसपास वो दवाएं सब मिल जाएंगी। तो इस तरह से आम जनमानस के लिए ये प्रोग्राम बहुत राहत देने वाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पूर्ण करने के बाद पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा इससे। और इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 8 जून को की गई थी और जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट स्टेंट के बारे में और जन औषधि केंद्र के बारे में उन्होंने सीधे उपभोक्ता या मरीजों से बात करी थी और उनके द्वारा बताया गया था कि ये दाम कम होने से बहुत राहत हुई है और जो ऑपरेशन पहले महंगे पड़ते थे अब बहुत सस्ते हो गए हैं और इससे कार्डियक सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट भी बड़े आसानी से लोग करा रहे हैं और दवाएं सस्ते दर पे उपलब्ध हैं। और इसमें ये भी उन मरीजों को फ़ायदा होगा जो अस्पताल के अलावा बाहर से नर्सिंग होम के डॉक्टर जो बाहर से दवाएं लिखते हैं वो भी यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि सर कोई भी मरीज यहाँ से दवा ले सकता है? हाँ, यहाँ से कोई प्रतिबंध नहीं है, बाहर के चिकित्सकों द्वारा लिखी दवाएं भी वो ले सकते हैं और जो दवाएं उनको बहुत महंगी पड़ती थी बाहर, यहाँ पे बहुत 10 गुना कम रेट पर प्राप्त होंगी। इसके लिए सर कोई कार्ड भी दिखाना पड़ेगा मरीज को? नहीं जी, कोई कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, ये उनका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का और नार्कोटिक्स नहीं होनी चाहिए उसमें, बाकी सभी दवाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और ये इसी सब अगले वीक से ये सभी दवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे गुंजन फार्मास्यूटिकल जो एजेंसी है उनके द्वारा ये संचालित किया जाएगा।